प्रथा क्यों है? पूजा में शंख बजाने का क्या महत्व है? शंख की ध्वनि में ऐसा क्या है? रोगाणुओं का नाश करने के लिए शंख क्या करता है? विष्णु पुराण के अनुसार शंख लक्ष्मी जी का सहोदर भ्राता है। ये समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 रत्नों में से एक है। शंख समुद्र मंथन के समय 8वें स्थान पर प्राप्त हुआ था। शंख के अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का, मध्य भाग में वरुण देवता और पृष्ठ भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। शंख में समस्त तीर्थों का वास होता है। वेदों के अनुसार शंख घोष को विजय का प्रतीक माना जाता है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण भगवान और पांडवों ने विभिन्न नामों के शंखों का घोष किया था। शंख 3 प्रकार के होते हैं। वामावर्ती, खुला हुआ भाग बाईं ओर होता है। दक्षिणावर्ती, खुला हुआ भाग दाईं ओर होता है। मध्यावर्ती, मध्य में खुला हुआ भाग होता है। दक्षिणावर्ती शंख शुभ और मंगलदायी होता है और इसका उपयोग पूजा पाठ, अनुष्ठानों और शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। शंख बजाने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, मेधा शक्ति प्रखर होती है और फेफड़ों का व्यायाम होता है। सांस संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। जहां जहां तक शंख ध्वनि पहुंचती है वहां तक के रोगाणुओं का नाश हो जाता है। शंख की ध्वनि में रोगाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो आप प्रातः और सायंकाल शंख अवश्य बजाएं। शंख बजाने से घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। घर में शंख बजने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इससे घर में निवास करने वालों के तन मन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक विचारों का उद्भव होता है। अध्ययन कक्ष में शंख रखने से ज्ञान की प्राप्ति होती है।